सीमा हैदर मुसलमान थी या फिर नहीं। आप लोगों ने देखा कि पिछली दो वीडियोस में मैंने प्रूफ के साथ सीमा हैदर के झूठ को बेनकाब किया, और आज एक बार फिर से मैं एक वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं, और इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि सीमा हैदर का एक और झूठ जो है वो हम पकड़ेंगे। मेरे पास जो है वो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबूत के साथ बात करता हूँ ताकि आप लोगों को जरा पता भी चल सके, और सबको भी पता है कि सीमा हैदर झूठी है। मैंने एक वीडियो में वॉइस नोट शेयर किए जो सीमा हैदर गुलाम हैदर को भेज रही है, और ये आपको जो है वो बात बताई कि किस तरह से सीमा हैदर ये झूठ बोलती है कि मेरा गुलाम हैदर से कॉन्टेक्ट था ही नहीं। और अभी भी उसने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, तकरीबन एक हफ्ता ही हुआ होगा, उसमें भी वो कह रही है कि मेरा तकरीबन कितना 4 साल से जब से गुलाम हैदर उधर वहां पे गया था सऊदी अरेबिया में, रब्ता नहीं था। लेकिन वो वॉइस नोट कर रही थी 10 मई 2023 को, वो सारे आपको सुना दिए कि किस तरह से हैदर से वो रबते में रहती थी, गाय बगाए जनाब जी उसे मैसी वगैरह करती रहती थी, इंटरनेट प्रॉब्लम बताती, बात नहीं करती, मैसी वगैरह करके जनाब टाल मटोल कर देती। कल मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की जिसमें गुलाम हैदर की बेटी फरवा, मेरे ख्याल में वो अपने अपना क्या नाम है हैदर को, अपने अब्बू को जो है वो बाबा को मिस कर विश कर रही है, ईद मुबारक कह रही है पैगाम, और पीछे से सीमा हैदर की आपने सुन ली जनाब जी कि किस तरह से उनकी जो है वो तरबियत कर रही है, वो उसको कहने के बजाय कि इसको अबू को, हैदर को अबू कहें या बाबा कहें या पापा कहें, तो वो कह रही है हैदर ईद मुबारक कह दे, आप कह दो कि हैदर ईद मुबारक, मतलब इस तरह से जो है वो परवरिश जो है वो कर रही थी अपने बच्चों की, आपने देख भी लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूं, इससे पहले थोड़ा सा सुनते हैं, बल्कि बता दूं कि मैं आपको एक चीज जो इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं आज, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि सीमा हैदर मुसलमान थी या फिर नहीं। जैसे वो कहती है कि मैं तो काफी टाइम से जो है वो, मतलब जो है वो हिंदू सनातनी बन गई थी, मैं आज से, आज जब भारत आई तो मैं हिंदुस्तान, अपना क्या नाम है, हिंदुस्तान में आई तो मैं नहीं बनी, मैं काफी टाइम से जो है वो ये मजहब जो है वो चेंज कर चुकी थी अपना, और हिंदू हिंदुइज्म में आ चुकी थी। अब बात करते हैं क्या वाकई वो अपना मजहब जो है वो काफी टाइम से चेंज कर चुकी थी, या फिर ये बात भी जो है वो झूठ बोल रही है। तो इस चीज पे बात करेंगे, मेरे पास एक प्रूफ है, मैं आपको वो जो आप सुनाऊंगा तो आप खुद देखेंगे कि ये बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। वो बिल्कुल भी जनाब जी ये वाली जो बात करती है फजूल में कि मैं पहले ही, मतलब काफी टाइम पहले, 1-2 साल पहले कहती है कि मैं जो है वो इस सनातन धर्म में आ चुकी थी और हिंदू बन चुकी थी, मुसलमानों से मेरा जो है वो कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं, हैदर ने आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, बहुत ज्यादा मुझे वीडियो जो है वो आज अच्छी लगी है जो हैदर भाई ने बनाई है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हैदर भाई एक बार फिर से सामने आए, अभी लगातार वीडियोस जो है वो बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैंने उनकी वीडियो आज भी सुनी, तो अपने बच्चों का मुतालबा वापसी का कर रहे हैं, और सीमा हैदर को बड़े उन्होंने करारे जवाब दिए कि आप किस तरह से एक माँ जो है वो बन सकती हैं, एक माँ जो है वो जिसे माँ कहते हैं वो अपने हाथ में एक कासल लिए बच्चों के लिए सारा दिन मेहनत मजदूरी करती हैं, जिनके पास मतलब जो है वो अपने बच्चों की भूख प्यास मिटाने के लिए, तो आप कौन सी माँ है जो, दूसरी तरफ आप कौन सी माँ है जो बच्चों को आप डांस सिखा रही हैं, नाच गाना सिखा रही हैं, और कौन सी तरबियत आप दे रही हैं, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे वो। बहुत अच्छी बातें की हैदर भाई ने आज कि क्या उनको सुनने को मिलेगा कि उनकी वालदा के काम जो है वो कैसे थे, किस तरह से आप हिंदू जो है वो उधर परिवार में रह करके उनके बच्चे जो है वो, उनकी जो लखते जिगर है हैदर भाई के, उनका जो है वो आप फ्यूचर जो है वो सारा बिगाड़ रही हैं, और खुद तो आप जलील हुई ही हैं, उनको भी जो है वो आप क्या नाम है उनकी अगली जो जिंदगी है वो सारी खराब कर रही हैं। बड़ी अच्छी हैदर भाई ने कुछ बातें की हैं। सबसे कहना पड़ रहा है कि आप तो देखो दुनिया को धोखा तो दे सकते हो, मैं तो आपसे वाकिफ हूँ ना, तेरे के अंदर में भी पता है और मेरे अंदर में भी पता है, ये आपको जहर तो मैं आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर जो औरत हंसते मुस्कुराते एक नामहरम मर्द के साथ बैठ के जिनसी ज्यादती करवाए और वो ढोंग रचाए कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हो, ऐसा हो सकता है भाई? लोग जिस तरह से हैदर भाई की आज बॉडी लैंग्वेज थी, मैं ये वीडियो पूरी देखी है, यकीन करें आज फिर से एक बार हैदर भाई बड़े दुखी दिल के साथ आया, कई बार जैसे वो बड़े एक उसकी आवाज में गरज होती है वो नहीं थी, और बड़ी तकलीफ में था, पता चल रहा था कि वो टूट चुका है, क्योंकि जिसके बच्चे जो है वो चले जाएं,
किसी भी उसे छोड़कर उसी उसकी माँ जो है वो लेकर के उनके बच्चों को चली जाए और दूसरे मुल्क में फिर उनसे उसकी अपनी माँ जो है वो जबरी तौर पे उनका मजहब तब्दील करवा दे, कोशिश करे, तो फिर तकलीफ तो होती है ऑब्वियसली, कोई भी बाप हो, हैदर की जगह कोई भी होता तो उसको तकलीफ होती। तो अब जनाब बात कर लेते हैं कि सीमा हैदर जो दावा करती है कि मैं पाकिस्तान में भी मुस्लिम, जो मुसलमान एक मुस्लिम मजहब है वो छोड़ चुकी थी, दीन इस्लाम को छोड़कर मैं जो है वो इस सनातन धर्म में या हिंदुइज्म या जो भी इसे बोलते हैं उसमें, इस दायरा इख्तियार में जनाब जी मैं आ चुकी थी। तो आज आपको जरा मैं बता देता हूं कि ये झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रही है। मैं आपको बताता हूं, इसका अपना एक गवाही मैसेज है जो कि ये 10 मई 2023 को गुलाम हैदर को भेज रही है। मैं आपको वो मैसेज फिर से सुना देता हूँ जिसमें वो कह रही है कि हैदर आप परेशान मत हो, मैं आपसे ऐसे नहीं बात कर रही, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मौला अली का कसम है कि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे, मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर रही। ये मौला अली की कसमें दे रही है हैदर भाई को, और मौला अली की कसमें चाहे फिर हमारे मुसलमान भाई जो है वो ही मतलब जो है वो अल्लाह की कसमें या फिर इस तरह की कसमें या फिर मौला अली की जो ज्यादा मतलब जिस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी शिया कम्युनिटी जो है, और हैदर ने मुझे एक बार फिर से बताया भी था, कई बार इस चीज का जिक्र हुआ था कि सीमा जो है वो उसे अलम लगाने का बड़ा शौक था, अपने घर के ऊपर वो अलम लगाया करती थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, कि सीमा का जो जो सीमा का मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शिया कम्युनिटी से मे भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो मौला अली की कस्में और ये सारी चीजें, और फिर ऊपर से वो हैदर भाई मुझे बताते थे कि वो अलम जो है वो ये शिया कम्युनिटी लगाती है अपने घरों के ऊपर, एक अलम सा मतलब जो है वो लगाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये उस उन्हीं में से इनका ताल्लुक था, बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इसको जो है वो ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल 100% मैं आपको जो है वो ये चीज दावा कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये आपको बता दूं, इस तरह से ये वॉइस मैसेज भी आप सुन लें कि किस तरह से वो मतलब जो है मौला अली की कस्में दे रही है। ये सपना को नहीं होगा यार, देखो भी नहीं कहीं नाराज नहीं थी मौला अली का कस्म, लेकिन ये वाईफाई के ना कनेक्ट कितने नेट के नेटवर्क की कोई भी तरह स्क्रीन शॉट की कट। हैदर भाई को कह रही है कि नेटवर्क नहीं था, वो मैसेज भी मैं बीच में ऐड कर देता हूँ, और ये सारी कहानी आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो ये झूठ बोल रही है, साफ झूठ बोल रही है, और उसका झूठ कोई पकड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसे कोई आगे सवाल नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है, जब वो बात करती है तो आगे से कोई बात जो है वो करता नहीं है, क्योंकि उन यूट्यूबर्स को या उन चैनलों पे वो जाती नहीं जहाँ से आगे सवाल हो, वो वहां पे जाती है जहाँ पर उसकी मर्जी की जो है वो सवाल पूछे जाए। तो मेरे ख्याल में अगर वो कहीं ना कहीं एक बार आती है हमारे चैनल पे तो उससे सारी बातें कर लेते, लेकिन वो आएगी नहीं कभी भी, क्योंकि जो झूठा इंसान हो वो आता नहीं है, ऐसे बात करता नहीं है। थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।